समय आ गया है, वो दिन आ गया है जब भारत के जो रेडियो बने हैं, भारत में मेड इन इंडिया रेडियोज हैं, उनमें वन ऑफ दी बेस्ट, सबसे अच्छे रेडियोज में से एक पगारिया का 5 बैंड रेडियो क्रेटा, और जो इंटरनेशनल कंपनीज के रेडियो हैं, विशेषकर वो रेडियो जो चीन में नहीं बनते और कोई गिना चुना ही मॉडल होता है, उनमें से एक पैनासोनिक का RF-562DD2 विश्व प्रसिद्ध, ये भारत प्रसिद्ध, ये विश्व प्रसिद्ध, दोनों में से कोई सा भी चीन में नहीं बना। मुझे इनकी मीडियम वेव कैपेबिलिटीज पर थोड़ा थोड़ा शक रहा है, किंतु मैं ज्यादा इनको चेक नहीं कर पाया था। आज हम इनके मीडियम वेव बैंड पर चलेंगे। समय है सुबह का लगभग 8 बजने वाले हैं, और हम ये देखेंगे कि ये कितने स्टेशंस जो हैं वो ये पकड़ पाएंगे। हम इनकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेंगे, ओरिएंटेशन चेंज करने से एक दो स्टेशन और पकड़ सकते हैं, यानी ऐसे मूव कर दूं अगर मैं इनका तो एक दो स्टेशन और पकड़ देंगे, लेकिन यहां से मैक्सिमम मीडियम वेव रेडियो स्टेशन जो आते हैं वो इस ओरिएंटेशन में ज्यादा पकड़ते हैं। पहले हम चलते हैं पैनासोनिक RF-562DD2 पर, कितने स्टेशन ये पकड़ सकता है इस समय। फुल वॉल्यूम इसको दे रखी है, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस। सुबह के समय इसने 19 मीडियम वेव रेडियो स्टेशंस पकड़ डाले, जो कि मेरी उम्मीदों से काफी अधिक है, बहुत अच्छे। अगर पगारिया को इसको बराबर आना है तो 19 स्टेशंस पगारिया को पकड़कर दिखाने होंगे इस समय मीडियम वेव पर। और वैसे मैं पिछले वीडियोस की तरह बता दूं, ये मुझे 1300 में मिला था, ये 3900 में मिला था, यानी ये जो है इसके मुकाबले 3 गुना ज्यादा प्राइस वाला है। किंतु अब तक जो कंपैरिजन आए उनमें हमने देखा एफएम पर ये भारी पड़ा था, 17 पकड़े थे इसने 13 पकड़े थे, तो देखिए 3 गुना कम प्राइस देकर भी इसके नजदीक चला गया था ये एफएम पर। शॉर्टवेव पर तो कमाल ही हो गया था, हमने रेडियो सिलोन का टेस्ट किया था, ये पकड़ नहीं पाया था उसको, और इसने पकड़ के दिखा दिया था, काफी साफ सॉलिड सिग्नल पकड़ा था इसने, और कंप्लीटली परास्त कर दिया था इसको। लेकिन अब मीडियम वेव बैंड पर देखते हैं ये कितने स्टेशंस पकड़ सकता है। एक, दो, एक कमजोर सा स्टेशन यहां पकड़ रहा है, तीन, चार, पंजाब,
जो है वो सभी मांगलिक कार्य शादी ब्याह जैसे शुरू हो। छह। अब एक बार इसको मैं बीच में रोक कर ये बता दूं, इस पर जो ट्यूनिंग हो रही है वो बड़ी स्मूथ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एनालॉग रेडियो है और ये डीएसपी बेस्ड रेडियो है, इस पर ट्यूनिंग जो है वो उतनी स्मूथ नहीं रहती। वही स्टेशन आप घुमाते घुमाते चलाएंगे, पकड़ लेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे फिर से पकड़ लेगा, बड़ा कठिन होता है। लेकिन एनालॉग रेडियो पर ट्यूनिंग स्मूथ होती है, यानी वे आगे बढ़ते हैं। यहां तक 6 स्टेशन हो चुके हैं। सात। आठ। नौ। दस। पितामह ऑफ फिल्म म्यूजिक पोरल ज्वाइन द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ग्यारह। बारह। तेरह। चौदह। ऑल राइट, सो मीडियम वेव पर वही एफएम वाली बात रह गई कि एफएम पर जैसे इसके मुकाबले थोड़ा सा पीछे रहा था ये, वैसे ही मीडियम वेव पर इसके मुकाबले थोड़ा सा ही पीछा रहा ये। हालांकि इसके पास जो डीएसपी चिप है उसका फायदा ये हुआ कि थोड़ी सी सेंसिटिविटी ज्यादा थी, जो सिग्नल्स पकड़े थे थोड़ा सा इसने अच्छे से पकड़े थे। किंतु ये अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है। सो ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट क्या हो, ओवरऑल जो अब तक आपने तीनों बैंड्स पर इसके कंपैरिजन देख लिया उसके बाद हम किस निर्णय पर पहुंचे, तो मैं ये कहूंगा कि आपको अपना बजट सोचना है और ये सोचना है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आपको भारत में बना बहुत ही अच्छा रेडियो चाहिए तो पगारिया 5 बैंड आपके पास है, लेकिन यदि आप किसी इंटरनेशनल कंपनी का रेडियो लेना चाहते हैं और चीन में ना बना हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट है तो ये आपके लिए है। और ज्यादा बजट है तो इस पर जा सकते हैं, थोड़ा सा कम बजट है तो इस पर जा सकते हैं, मेड इन इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं तो इस पर जा सकते हैं, चाइना से आपको चिढ़ है तो आप, अगर इंटरनेशनल रेडियो ही चाहिए आपको तो आप इस पर जा सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों में एक मोटा फर्क रहेगा बिल्ड क्वालिटी का। ऑफकोर्स इसके लिए आप 3 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, सो इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है। लाउडनेस के मामले में ये इसको पछाड़ देगा, लेकिन जो साउंड है, अब साउंड के मुकाबले में ये थोड़ा सा 19-20 का ही फर्क है, इससे ये थोड़ा सा ही बेटर होगा। तो सिर्फ साउंड के लिए अगर आप 3 गुना प्राइस देना चाहते हैं इसको लेने के लिए तो वो उचित नहीं होगा। और एक बात और जो कि असल में आपका निर्णय बिल्कुल आसान कर सकती है, इसके अंदर वो चीजें जो नहीं है जो इसमें है वो है, आप TF कार्ड प्ले कर सकते हैं, आप USB लगा सकते हैं, आप ऑक्सिलरी इनपुट दे सकते हैं इसको, और ब्लूटूथ चल सकता है इस पर, SD कार्ड वगैरह। सो अगर आपको MP3 प्ले चाहिए और अपने आप में एक डिसेंट बजट में आने वाला कंप्लीट रेडियो चाहिए तो आपके लिए ये है, और पैनासोनिक ब्रांड का एक अच्छा सा प्यारा सा रेडियो चाहिए तो आपके लिए ये है। यही होगा मेरा अंतिम वर्डिक्ट, और इन दोनों में से कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा, अपने अपनी प्राइस कैटेगरी में दोनों ने अच्छा करके दिखाया। हालांकि जितना इसका नाम है और संभवतः जहां तक मुझे ध्यान है पैनासोनिक का ये अंतिम शॉर्टवेव का रेडियो है जो उनके मॉडल जा रहे हैं आज उनमें से, और इसके शॉर्टवेव को उन्होंने बहुत ही डाउन कर दिया है। नमस्कार।